अध्यक्ष श्रीमती सज्जन जी कटारा, विधायक उदयपुर ग्रामीण, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको और दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। ऐसे ही विचार रखकर अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित करने वाली आदरणीय सज्जन जी कटारा से निवेदन है कि वे पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। सज्जन जी का माल्यार्पण कर स्वागत। हाँ, हमारे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मोर साहब का स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा। मोर साहब का स्वागत करेंगे पप्पू जी खंडेलवाल माल्यार्पण करके और शॉल उड़ाकर। खादी ग्राम मेला 2011 के शुभारंभ के अवसर पर आज हमारे बीच में खादी ग्रामोद्योग के नवनियुक्त हाल ही में मनोनयन हुआ है सरकार द्वारा आदरणीय पारिक साहब, हमारे खादी के में विश्वास करने वाले हमारे बहुत ही वरिष्ठ, इस खादी के अंदर बहुत ही पुराने समय से, काफ़ी लंबे समय से विश्वास है और खादी को खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे बीच में अतिथि बैठे हैं पंड्या साहब और मोहन सिंह जी साहब और गौड़ साहब और समस्त स्टाफ खादी ग्रामोद्योग और दूर दूर से आए समस्त उद्यमी जो यहाँ पर अपने हस्तनिर्मित चीज़ें लेके इस भावना से उदयपुर में आए हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पर बिक्री होगी और अच्छा लाभ मिलेगा। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हर वर्ष खादी जैसा ही चीज़ें और कोई सस्ती हमको नहीं मिल सकती हैं। हम उदयपुर में उदयपुर की विधायक होने के नाते पारिक साहब का और समस्त का बहुत बहुत हृदय से दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी दूर दूर से उद्यमी अपने हस्तनिर्मित चीज़ें और बहुत कड़ी मेहनत के साथ ये बना के लेके आए हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप यहाँ से लाभान्वित होके जाएंगे, अपनी सारी चीज़ें बिक्री करके जाएंगे। यही मैं ईश्वर से दुआएं करती हूँ। माननीय पारिक साहब का तह दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही ऐसा नहीं होता, यद्यपि मुझे पहले बोलना चाहिए था, ठीक रहता ताकि पारिक साहब मेरी बात को सुनते हैं और खास नहीं कह रहा, लेकिन कोई बात उनको आगे पीछे करने का लेंस को मैं थोड़ा पारिक साहब खादी से कई वर्षों से आगे करते हैं ना और गांव का रहने वाला, इसलिए खादी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग चाहे वो कताई के काम करने वाले हो चाहे ग्राम उद्योग में काम करने वाले हो ग्रामीण क्षेत्र से या उदयपुर के भी हो तो वो भी छोटे छोटे आपकी कच्ची बस्तियों में छोटे गलियों में रहने वाले लोग और हम हर वर्ष खादी मेला लगाते हैं, सरकार सहयोग भी करती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस बात में एज ए अध्यक्ष आपको निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हम जितने भी सरकारी टेंडर होते हैं उसमें हमारी खादी ग्रामोद्योग के लोगों को विशेष प्राथमिकता के लिए राजस्थान सरकार से कोई आदेश जारी करावे तो मैं समझता हूं कि इनको कंपटीशन में थोड़ा सा आगे दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है कि विशेष करके खादी संस्थाओं को मैंने देखा है, प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि खादी संस्थाएं और हैंडलूम जब दोनों का कंपेरिजन होता है और कई बार प्रैक्टिकल ये होता है कि दरी और जाजम उसके अंदर भी अंतर नहीं रहता है और कई जगह दरियों की जगह जाजमे और जाजमों की जगह दरिये के टेंडर पास हो जाते हैं और कई बार
खादी संस्थाएं हमारी पिछड़ जाती है। तो विशेष रूप से मैं पारिक साहब से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि आप अध्यक्ष बने हैं और इन तमाम खादी संस्था में काम करने वाले लोगों की निगाह आपकी तरफ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक मुझे जानकारी है कि पहली बार कोई युवा व्यक्ति के हाथ में खादी संस्था आई है, और मुझे लगता है कि युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं ताकि इस खादी का विकास हो सकता है, और उसके लिए आवश्यकता होगी नई तकनीकी की। और मैं समझता हूँ कि नई तकनीकी युवाओं के विचार के आधार पर उनके वस्त्र और उन सबके लिए जरूरत पड़ती है पैसे की, किसी किसी तरह सहयोग की। और मुझे लगता है कि इसके लिए पारिक साहब चाहे वो भारत सरकार से बात करें, चाहे वो अन्य संस्थाओं से बात करें, और किस प्रकार से इन खादी संस्थाओं को मजबूती प्रदान कर सकें, मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। उदयपुर के अंदर प्रतिवर्ष स्टेट लेवल का तो ये मेला लगता ही है, लेकिन अब उदयपुर एक ऐतिहासिक नगरी बन गया है, विश्व के पटल पर है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आगामी समय में राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर मेला लगे। मैं समझता हूँ उदयपुर की एक पहचान भी होगी, और उदयपुर के अंदर तमाम जो खादी प्रेमी हैं पूरे देश से यहाँ पर आ सकेंगे, यहाँ की जो हमारी खादी संस्था है उनके माल की